तो दोस्तों आप जो ये देख रहे हो बड़े बड़े जो समुद्री जहाज हैं यहाँ पर, जो ये आप देख रहे हो ट्रांसपोर्ट है, और यहाँ पर जो ये समुद्र के जरिए या इसके बीच के जरिए आप कह सकते हो जो भी सामान आता है यहाँ पर उतारा जाता है। गोवा का जो दोस्तों हम बस स्टैंड बोल देते हैं, तो ये समुद्र स्टैंड है और यहाँ पर जो भी सामान आता है उतारा जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना बड़ा वो है, और यहाँ पर आपको उस दूसरे किनारे की साइड में किश्तियाँ लगी दिख रही होंगी, और यहाँ पर बड़े बड़े दो समुद्री जहाज भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, और दोस्तों बीच में इसके होटल भी है। और दोस्तों मैं थोड़ा आपको उस साइड लेकर चलता हूँ, तो आपको और भी किश्तियाँ इस प्रकार की बहुत सी देखने मिलेगी। और इस साइड में दोस्तों मेरे जो साइड में है वो है गोवा म्यूजियम है, वो भी आपको अभी थोड़ी देर में विजिट करवाऊँगा। अभी उसका खुलने का समय नहीं हुआ, वो खुला नहीं है, तो इसलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा 10 बजे तक वो खुल जाएगा, तो उसके बाद गोवा म्यूजियम के भी दर्शन करवाऊँगा, तो वो उसको भी विजिट करवाऊँगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो गोवा की लेक बोल सकते हो, गोवा बीच बोल सकते हो, गोवा समुंदर बोल सकते हो, तो आप दोस्तों यहाँ का नज़ारा देख सकते हो। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी जो समुंदर किश्तियाँ हैं यहाँ पर खड़ी हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो स्टैंड से एक किश्ती निकल चुकी है जो कि खाली है, ये दूसरी तरफ जा रही है। तो दोस्तों जो दूसरी तरफ जाने का रास्ता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो पुल से रास्ता है। तो दोस्तों अभी हम चर्च आए हुए थे, तो चर्च विजिट की है जो कि बंद थी, और अभी दोस्तों अगर उस साइड चले गए तो हमारा जो गोवा म्यूजियम है वो रह जाएगा, तो इस वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं भाई, थोड़ा आए हुए हैं तो इस साइड, तो गोवा म्यूजियम भी यहाँ पर देख कर चलें। तो दोस्तों आप देख सकते हो इतना इसका बीच का एंजॉय ले सकते हो, लेक का एंजॉय ले सकते हो। तो दोस्तों वह जो गोवा है, गोवा बीच है, गोवा की जन्नत है दोस्तों। यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट प्लेसेज हैं, आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे, तो जो हम जो गोवा लेक है यहाँ पर आके खड़े हुए, और इसके सामने जो गोवा म्यूजियम है, तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो कितनी बड़ी आप लेक है, समुद्र बोल सकते हो या झील बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आप इसको लेक या समुद्री बोलते हो तो तभी ठीक रहेगा। यहाँ पर आप दो मेरे पीछे देख रही है इनका स्टैग, क्या बोलते हैं इनको, किश्ती स्टैंड, जो इनका जो है किश्ती स्टैंड है, और यहाँ पर ये जो डिश के जरिए अपना सामानों का आदान प्रदान करते हैं, आयात करते हैं, तो ये यहाँ पर उतारा जाता है। तो दोस्तों आप जो ये देख रहे हो किंग कैसीनो देख रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर जो इसकी टिकट है, टिकट मिलती है, और आप यहाँ से टिकट लेकर यहाँ पर इसमें विजिट कर सकते हो, इसमें जो समुंदर है उसको घूम सकते हो, लेक को घूम सकते हो। तो दोस्तों ये ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर शुरू से लास्ट तक 4-5 मिल जाएंगे। यहाँ पर आप किसी भी, सबके अलग अलग टिकट, सबके अलग अलग प्राइस है, वो आप किसी भी से लेकर भी घूम सकते हो, जो आपको सस्ता लगे ठीक लगे आप उसको लेकर यहाँ से घूम सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो समुद्र का नज़ारा, समुद्र के बीच में देखो कितना बड़ा वो खड़ा है। तो दोस्तों आप इसको होटल बोल सकते हो, यहाँ पर खाने पीने रहने के और कैसीनो, जैसे कैसीनो बोलते हैं आप, डांस ट्यून्स वगैरह करने का सब सुविधा यहाँ पर दोस्तों आपको इसके अंदर मिलेंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही लंबा यहाँ पर पैडाइश यहाँ पर भी खड़ी है, यहाँ से भी आप बोट ले सकते हो, यहाँ पर भी घूम सकते हो, दूसरे किनारे से भी ले सकते हो दूसरे किनारे पर, लेकिन जो रास्ता वो लंबा है, उसका जो पुल है वो बहुत ही आगे है, तो रास्ता भी वहाँ से नहीं मिल रहा, तो थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं वहाँ जाने के लिए, पहले गोवा जो म्यूजियम है उसको घूम लेते हैं।
दोस्तों आपको जो है रविंद्र नगर गेट के किनारे पर दो म्यूजियम मिलेंगे। हाँ जी दोस्तों, जिस बाइक का नाम है कस्टम म्यूजियम और दूसरा है जो है गोवा म्यूजियम। तो दोस्तों हम दोनों को आज विजिट करेंगे और इसके बाद दोस्तों हम जो हमारा मर गाँव है जो मर्यादी डेस्टिनेशन है वहाँ जहाँ पर हम आज रुकने वाले हैं तो वहाँ पर चले जाएँगे दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं जो बैठा हूँ मैं ये कस्टम म्यूजियम के बाहर बैठा हूँ और यहाँ से मैं सीधा उसके बाद वो ये उसका जो खुलने का टाइम है 9:30 बजे उसके बाद वह जो गोवा म्यूजियम को विजिट करूँगा। ये जो म्यूजियम है कस्टम हाउस म्यूजियम खुल चुका है जो कि भारतीय सेना शुल्क एवं प्रत्यक्ष से रिलेटेड संग्रहालय जो इसके अंदर सामान या जो आप कह सकते हैं जो इसके सामान अंदर रखा हुआ है वो इसे भारतीय सीमा शुल्क एवं प्रत्यक्ष संग्रहालय से रिलेटेड इसके अंदर जो है सामान रखा गया है। तो दोस्तों ये ओपन हो चुका है, इसके बाद हम इसको विजिट करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो गोवा म्यूजियम दोनों को विजिट करेंगे। देखते हैं दोस्तों अंदर कैमरा अलाउड है या नहीं है। अगर कैमरा अलाउड हो तो आपको जरूर दिखाएंगे, अगर कैमरा नहीं अलाउड हुआ तो अंदर जाकर फोन कराने के बाद आपको बताएंगे कि अंदर उसमें क्या क्या रखा है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं गोवा म्यूजियम है जिसका समय 10 बजे खुलने का। तो देखिए चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, देखते हैं विजिट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो शिवा टेंपल जो कि हम गोवा म्यूजियम के अंदर आ गए हैं, उन्हें परमिशन दे दी है। और दोस्तों इस म्यूजियम की कोई भी किसी प्रकार की कोई टिकट नहीं है, यहां पर पुलिस वाले बैठे हैं बिल्कुल कोऑपरेटिव है और अच्छी तरह व्यवहार करते हैं। दोस्तों जो आप ये इमेज दे रख रहे हो ये कारपेंटर की इमेज है और यह ओल्ड वूमेन बूढ़ी औरत की फ़ोटो है। तो दोस्तों यह वूमेन कार्पेंटरिंग ये दोस्तों यहाँ पर अट्टी में चाकी से अट्टा पीस रही है और यहाँ पर आप देख सकते हो खुम्बी वूमेन। तो ये समाप्त यह पाउडर और यहाँ पर दोस्तों ये घास लगा लो या कुछ और जो अपने शरीर पर वजन डो रहा है। दोस्तों ये है श्री कपिलेश्वर संस्थान कपिलेश्वरी।
तो दोस्तों हम जो गोवा म्यूजियम उसके अंदर आ चुके हैं, जिसकी कोई भी टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों इसके साथ भी कोस्टम म्यूजियम है, वहाँ पर अभी पुलिस के बच्चे आ रहे थे तो इसलिए वहाँ पर एंट्री नहीं दी, वो कह रहे थोड़ी बार वेट करो, लेकिन हम दोस्तों लेट हो रहे हैं तो मैं नेक्स्ट जो मडगा हूँ उसके लिए निकलना है। तो दोस्तों हमने ये जो गोवा का म्यूजियम घूम लिया, इसके लिए कोई फीस नहीं है, यहाँ पर गेट पर पुलिस वाले बैठे हैं चारों तरफ। तो दोस्तों भी जो कि बिल्कुल कोऑपरेटिव है, यहाँ पर कैमरा भी अलाउड है, आप यहाँ पर किसी प्रकार से यहाँ तो वीडियोग्राफी बना सकते हो, आपको किसी प्रकार का किसी आप लिया पिज्जा ऐतराज़ नहीं होगा, तो आप अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकते हो और अपने जो दर्शकों को अपने तो दोस्तों को दिखा अपनी वीडियो दिखा सकते हो।